बॉलीवुड में हर साल कई ऐसी फिल्में बनती हैं जिनका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार रहता है। ऐसी मोस्ट अवेटेड फिल्मों में शामिल है शाहरुख खान की मूवी जीरो और रणवीर सिंह की मूवी सिम्बा। शाहरुख खान की फिल्म जीरो का इंतजार इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इस फिल्म में शाहरुख खान एक बौने यानी बहुत ही छोटे कद के इंसान का किरदार निभा रहे हैं। कहानी क्या है ये अभी तक पूरी तरह राज है। फिल्म में दो हीरोइंस हैं, कटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा, मगर शाहरुख खान के साथ रोमांटिक लीड में कौन है ये अभी तक रिवील नहीं हुआ है। वहां दूसरी फिल्म सिम्बा में रणवीर सिंह के अलावा एडेड अट्रैक्शन है इस फिल्म के डायरेक्टर रोहित शेट्टी, जिन्हें मसालेदार मनोरंजक फिल्म बनाने का उस्ताद कहा जाता है। रणवीर सिंह के साथ हीरोइन सारा अली खान की रोमांटिक केमिस्ट्री देखने में ऑडियंस की दिलचस्पी होगी। इस फिल्म की सबसे खास बात ये है कि लेजेंडरी एक्ट्रेस श्रीदेवी की ये आखिरी फिल्म थी। उम्मीद करते हैं सिम्बा का इंतजार हर किसी को रहेगा। अब आते हैं इंटरेस्टिंग खबर की तरफ। पहले से फिक्स्ड रिलीज डेट के मुताबिक ये दोनों ही फिल्में साल 2018 में क्रिसमस के फेस्टिव सीजन में रिलीज हो रही हैं। मगर शाहरुख खान और रोहित शेट्टी ने मिलकर ये फैसला किया कि इन दोनों फिल्मों को क्रिसमस के मौके पर एक साथ रिलीज ना करें, बल्कि एक हफ्ते के गैप में रिलीज किया जाए ताकि बॉक्स ऑफिस पर कोई क्लैश ना हो। वाह क्या बात है। अगर इसी तरह बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स के बीच ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो और एक दूसरे को सपोर्ट करे तो कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर टकराने से बचेंगी और इसका सबसे बड़ा फायदा बॉलीवुड को होगा। वैसे तो हमें इन दोनों ही फिल्मों का इंतजार है।